மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அதை சொல்லுங்க. மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் ப்ரொடக்ட் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸ் ना, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा. दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड और पॉसिबल, या तो डिफाइंड या तो पॉसिबल, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा बी मैट्रिक्स में उतना ही रो होना पड़ेगा. नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब जो मैट्रिक्स पहले होगा उसमें जितना कॉलम होगा बी में उतना ही रो होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा. तो कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने से पहले देखना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं. और वो कैसे समझ में आएगा, जो पहले मैट्रिक्स होगा उसमें जितना कॉलम होगा, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए एक मैट्रिक्स लिए जिसमें दो रो और दो कॉलम है, और बी एक मैट्रिक्स लिए जिसमें दो रो और तीन कॉलम है. तो देखो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितना है, पीछे वाला कॉलम होता है सामने वाला रो होता है, तो ए मैट्रिक्स में कॉलम है दो और बी मैट्रिक्स में रो भी कितना है दो, तो ये सेम है. इसका मतलब ए का साथ बी का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा ना. अब पाया प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो ए बी पहले ए का वैल्यू लिखें इंटू फिर बी का वैल्यू लिखेंगे. प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा रो का साथ कॉलम का होना पड़ेगा, मतलब ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम. तो पहले फर्स्ट रो का साथ फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट होगा, फिर फर्स्ट रो का साथ सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट होगा, फिर फर्स्ट रो का साथ थर्ड, मतलब पहले फर्स्ट रो का साथ ये तीनों कॉलम का प्रोडक्ट होगा, सिमिलरली फिर सेकंड रो का साथ ये तीनों कॉलम का प्रोडक्ट होगा. अब ये एरो देखना, जो प्रोडक्ट होगा वो इधर के साथ इधर होगा, मतलब रो कॉलम, तो ये फर्स्ट रो का साथ फर्स्ट कॉलम होगा, तो पोजीशन वाइज जो एलिमेंट होगा वो इनटू होगा. इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट किससे इनटू होगा, इसका फर्स्ट का साथ, इसका सेकंड के साथ होगा, मतलब इधर आना है कॉलम में आना है, मतलब दो इंटू दो बीच में ऑलवेज प्लस, फिर थ्री इंटू फाइव. तो जब फर्स्ट रो का साथ फर्स्ट कॉलम इंटू होगा तो क्या होगा, दो इंटू दो बीच में प्लस, फिर थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन. ये हो गया फर्स्ट रो का साथ फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट हो गया. अब फर्स्ट रो का साथ सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट होगा, तो टू इंटू कितना होगा सिक्स बीच में प्लस, और थ्री इंटू कितना होगा सेवन. ध्यान देखना रो का साथ कॉलम होगा, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड बीच में प्लस. उसी तरह फर्स्ट के साथ जब थर्ड कॉलम होगा तो फर्स्ट के साथ प्लस, टू इंटू एट बीच में प्लस, और फिर थ्री इंटू टू थ्री इंटू. तो ये फर्स्ट के साथ फर्स्ट कॉलम इंटू होगा इतना है टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू फाइव. फिर फर्स्ट का जब सेकंड हुआ तो टू इंटू सिक्स थ्री इंटू सेवन. फिर थर्ड के साथ जब हुआ तो टू इंटू एट थ्री इंटू टू. ये हो गया, मतलब फर्स्ट के साथ तीनों कॉलम इंटू हो गया. जैसे फर्स्ट रो का साथ तीनों कॉलम का इंटू हुआ उसी तरह सेकंड रो का साथ अब तीनों कॉलम का इंटू होगा, तो क्या होगा फोर इंटू टू बीच में प्लस, फाइव इंटू फाइव, फर्स्ट का साथ फर्स्ट, सेकंड का साथ सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड बीच में प्लस. इसका अब इसका साथ जब सेकंड कॉलम का होगा तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट फोर इंटू सिक्स बीच में क्या प्लस, फिर फाइव इंटू सेवन थर्टी फाइव. फिर फर्स्ट के साथ फर्स्ट फोर इंटू एट प्लस, और फिर फाइव इंटू टू टेन. तो यहाँ पर देखो टू इंटू टू फोर हो गया, ये थ्री इंटू फिफ्टीन हो गया, फिर ट्वेल्व हो गया, ये ट्वेंटी वन हो गया, ये सिक्सटीन हो गया, ये सिक्स हो गया, फिर एक फिर ऐड करके इतना ही आंसर आया. एक और चीज देखने वाला, जब प्रोडक्ट इंटू होगा तो ये रो और इसका कॉलम सेम था, तो जो रो और कॉलम सेम था वो कैंसिल हो गया, बचा कितना दो रो तीन कॉलम, जो आंसर होगी देखो दो रो और तीन कॉलम में ही आया है. तो ये प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा, जो मैट्रिक्स पहले रहेगा उसमें जितना रो रहेगा बाद वाले मैट्रिक्स में उतना ही कॉलम होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा ना. तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स. अब ध्यान देना, अगर हम बी इंटू ए निकालेंगे तो बी इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा. बी इंटू ए क्यों पॉसिबल नहीं होगा, अगर जैसे ए इंटू बी पॉसिबल था, बी इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा. क्यों, क्योंकि बी में कितना कॉलम था तीन, और ए में कितना रो है दो, तो इसका तीन कॉलम है इसका दो रो है, ये सेम नहीं है, मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा. तो बी ए पॉसिबल कब नहीं होगा, क्या लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, देयरफॉर B into A is not possible. B into A is not possible. B into A possible नहीं है. ये मैट्रिक्स के लिए B into A possible नहीं होगा.
ए इंटू बी पॉसिबल था किंतु बी इंटू ए पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों बी इंटू ए पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि बी में जितना कॉलम था ए में उतना रो नहीं है। हम बोले कि जो पहले मैट्रिक्स होगा उसमें जितना कॉलम होगा बाद वाले में उतना ही रो होना पड़ेगा। जैसे जब ए इंटू बी निकाले तो ए में दो कॉलम था और बी में देखो दो ही रो था, इसीलिए ए इंटू बी एग्जिस्ट कर दिया। किंतु बी इंटू ए जब निकालने गए तो बी में जितना कॉलम था ए में उतना रो नहीं है। इसमें तीन कॉलम है, इसमें दो रो है, इसीलिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी जो कि तीन था वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स है जो कि दो था, इसीलिए बी इंटू ए पॉसिबल नहीं है ए इंटू बी। इसका मतलब ये होता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन है। और कंडीशन क्या है कि पहला मैट्रिक्स में जितना कॉलम रहेगा बाद वाला मैट्रिक्स में ठीक उतना ही रो होना पड़ेगा, तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हम क्या बोले ए इंटू बी, फिर से बता रहे ए इंटू बी, पहले ए लिखे फिर बी लिखे, एरो देखना हमेशा प्रोडक्ट ए का साथ मतलब ए का रो का साथ कॉलम का होगा। ये फर्स्ट रो है, ये इसका तीन कॉलम, तो पहला रो का साथ पहला कॉलम ये आ गया। और ये पहला रो का साथ पहला कॉलम क्या होगा, पोजिशन वाइज होगा, फर्स्ट का साथ फर्स्ट, बीच में प्लस, सेकंड के साथ इधर सेकंड, उधर से इधर तो जाना ही नहीं है, इधर कॉलम है, एरो देखो कॉलम है, तो 2 × 2 + 3 × 5। जब सेकंड होगा तो 2 × 6 + 3 × 7। जब थर्ड का साथ होगा तो 2 × 8 + 3 × 2। उसी तरह जब सेकंड होगा साथ करेंगे तो नीचे बैठेगा 4 × 2 + 5 × 7 5 × 5 sorry, फिर 4 × 6 5 × 7, 4 × 8 5 × 2, फिर ऐड करके जो भी आएगा वो आंसर आ गया ना। तो ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन हो गया, प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स।